यो हनी सिंह के नाम से जानते हैं वो एक इंडियन रैपर, म्यूजिक मेकर, सिंगर और फिल्म एक्टर है। वो पहले एक रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट थे और बाद में भंगड़ा प्रोड्यूसर बन गए, लेकिन उसके बाद उन्हें बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया और मशहूर गानों में रैप भी किया, और ऐसा करते हुए वो बॉलीवुड के सबसे महंगे म्यूजिक मेकर बन गए। हनी सिंह का जन्म एक सिख परिवार में होशियारपुर पंजाब में हुआ था। उनके बचपन का नाम हृदेश सिंह था। उन्होंने यूके के ट्रिनिटी स्कूल से संगीत की पढ़ाई की थी। बाद में उनका परिवार दिल्ली आ गया। उनकी शादी शालिनी तलवार से हुई है। उन्होंने अपनी पत्नी को पहली बार ऑडियंस से इंडियाज रॉ स्टार टीवी शो के मंच पर सबके सामने रूबरू करवाया था। हनी सिंह इंग्लिश से ज्यादा अपनी नेटिव लैंग्वेज पंजाबी या हिंदी में गाना गाना पसंद करते हैं। उनके गाने यूथ पर कुछ खासा प्रभाव डालते हैं और चार्ट बस्टर पर टॉप में रहते हैं। वो बॉलीवुड का काफी चर्चित नाम है। उन्होंने फिल्म शकल पे मज्जा में पहली बार अपने डेब्यू सॉन्ग से सब लोगों के दिलों में जगह बनाई थी और वो लोगों में नोटिस होने लगे थे। आने वाली फिल्म मस्तान, जिसमें नसीरुद्दीन शाह भी हैं, में गाना गाने के लिए उन्हें 7 मिलियन पे किया गया है, जो कि बॉलीवुड में अब तक किसी भी गायक को नहीं मिला है। ये बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट है जो सिर्फ हनी सिंह को ही मिल पाया। उनका गाना गाया हुआ अंग्रेजी बीट सैफ अली खान की फिल्म कॉकटेल में दिखाया गया था। 2013 में उन्हें काफ़ी पॉपुलैरिटी भी मिली। उन्हें बॉलीवुड की बिग बजट फिल्मों में गाना गाने का मौका मिला। उसमें से कुछ फिल्में थी बॉस और चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस का लुंगी डांस गाना सब लोगों की जुबान पे चढ़ गया था। उन्होंने फिल्म भूतनाथ रिटर्न्स में अमिताभ बच्चन के साथ परफॉर्म भी किया है और गाना भी गाया है, लेकिन अचानक 2014 में वो बॉलीवुड से गायब हो गए। उस वक्त वो इंडियाज रॉ स्टार की शूटिंग कर रहे थे और एक दिन अचानक से उन्होंने वो शूटिंग बंद कर दी और उनकी जगह पर सचिन और जिगर ने कुर्सी संभाली, और काफी सालों तक उनका कोई गाना लॉन्च भी नहीं हुआ था। उनके गायब होने को लेकर लोग अलग अलग तरीके के कयास लगाए हुए थे, लेकिन सारी बातें फेक निकली। लोगों को लग रहा था कि वो रिहैब सेंटर में हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उन्होंने अपने आप को सभी चीज़ों से दूर कर लिया था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक हैं और अपना नया गाना लेकर वापस बॉलीवुड में धमाल मचाने आ रहे हैं। उनका नया गाना दिल चोरी साडा आते ही नया रिकॉर्ड बना चुका है। उनके गाने को 100 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं यूट्यूब पर। और बात की जाए उनके शुरुआती दिनों की, तो उन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत पंजाबी फिल्म मिर्जा से की थी। इसके बाद उन्होंने इस फिल्म में उनका कैमियो अपीयरेंस ही था, लेकिन इसके लिए उन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का पीटीसी पंजाबी अवार्ड मिला है। इसके बाद वो एक और पंजाबी कॉमेडी फिल्म तू मेरा 22 में तेरा 22 में दिखाई दिए। यह लीड रोल के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। उन्होंने बॉलीवुड में भी फिल्मों में डेब्यू किया है। उनका एक्टिंग डेब्यू द एक्सपोज से था, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। चाहे हनी सिंह ने बॉलीवुड और पंजाबी डेब्यू किए हों, लेकिन उनके गाने और रैप की वजह से उन्हें सारा हिंदुस्तान जानता है और वो आज भी रैपर हनी सिंह ही कहलाते हैं। उनके बहुत सारे गाने भी आए हैं, लेकिन उनके कुछ गानों को लेकर काफ़ी विवाद भी खड़े हुए हैं। उनके गाने के बोल सोसाइटी के कुछ लोगों को काफ़ी हिंसक लगे और उन्होंने हनी सिंह के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी। बाद में हनी सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि ये गाना मैंने नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ इसे गाया है। तो ऐसा है हनी सिंह की जिंदगी का सफर। उन्होंने अपनी जिंदगी में काफी चढ़ाव उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कभी हार नहीं मानी।